बीएसएफ और सीआईएसएफ की भर्ती परीक्षा में 90% से अधिक लेने के बाद भी भर्ती नहीं किए गए युवाओं ने मंगलवार को तभी पुल बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये युवा पिछले एक वर्ष से उन्हें भर्ती किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं और उनका कहना है कि अब वे अपने प्रदर्शन को तेज करेंगे और इसे पूरे प्रदेश में एक आंदोलन की तरह चलाएंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि सरकार युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए कितनी गंभीर है। ये युवा पिछले काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और मंगलवार को वे पहले प्रदर्शनी मैदान पहुंचे, जहां से वे प्रदर्शन करते हुए डोगरा चौक की तरफ आए और उसके बाद मंदिर मस्जिद पॉइंट के सामने महाराजा हरि सिंह स्मारक के पास तवी पुल पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना था कि अब वे ना तो सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे और ना ही किसी नेता की बातों में आएंगे। मेरा नाम विशाल है, मैं बीएसएफ सीएसएफ का एस्पायर हूं। सरकार को पहले ही चेतावनी दे दी गई, हमारा जल्द से जल्द कोई हल किया जाए, नहीं तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा मकसद यही था कि हमारा काम अब तक नहीं हुआ, हम सरकार को 2 दिन की चेतावनी और देते हैं कि जल्द से जल्द हमारा काम किया जाए। जय हिंद, जय भारत। सर, बोलने के लिए बच्चा कुछ है नहीं, गवर्नमेंट सुनती नहीं है, हमें तो बैठना पड़ेगा इसके लिए। ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक सांसें चलेंगी।